पक्का हाथ लगाए देखूं। अरे आरू तो बिल्कुल सुट हो गया पढ़ाई बीच। तो क्या मुझे भी बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल रोना आ रहा है मेरे को यार। कैसा जन्म भी देखता मैं। पूरे मेडिकल स्टोर बैग में रहो जो है ना, क्योंकि शाम तक तो दर्द आ पाई नहीं देगी। जो आते छोड़ दे ना, मैं तो ना ले उड़ो। छोड़ छोड़ दे, क्योंकि इस बार अंदर से टूट गया, मतलब क्यों टूटा हूं पता नहीं मेरे को। हेलो गाइस, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं उठ गया, मुंह धो लिया, चाय भी नहीं पी मैंने। बाकी देखो चेकआउट करो, सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है गांव में यार। और मेरे पीछे कौन है? ये ज्योति, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? और भाई आज मैं आपको मिलाऊंगा हमारे घर के न्यू मेंबर से, स्पेशल मेंबर से। अभी चाय नहीं पी मैंने, मुंह धोया है, चाय पीता हूँ, उसके बाद मिलाता हूँ। और साथ में हमारे गाँव का ड्रोन व्यू भी दिखाता हूँ मैं, बहुत शानदार वाला, ठीक है? आज लेट नहीं खुलेगी मेरी यार, है ना? जल्दी ला चाय, ला फटाफट से। और देखते हैं हमारे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह उठते हैं दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं भाई। आरू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे लड्डू, गुड मॉर्निंग मेरे लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल तो ये है, ये तो हमारी राधे रानी है, राधे रानी मोटू राम जी है, हमारे मोटू राम जी। तो सुबह सुबह उठते टीवी देख रहे हो बेटा? और सुबह से उठते क्या करते हैं बताओ मेरे को पहले। खुश रहो बेटा, खुश रहो। दादी बाबा के साथ भाई आप भी अपने बच्चों को सिखाओ सुबह से उठते ही अपने बड़ों के पैर छुए, मतलब दादी बाबा के, पापा मेरे सबके, क्योंकि ये संस्कार है ना, बाद में भी काम आएंगे तुम्हारे। सिखाना जरूर, अभी से आदत डालना इनकी। मैं चढ़या जो तो मेरी चाय कहाँ है? ये किसकी चाय है? और बिस्किट कटे हुए चाय कौन पिएगा किट्टू? तो भैया पीते हैं गरम गरम चाय, बड़े अदरक वाली, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है? तो भैया अब हम लाइटें खोल लेते हैं जो कि हमने दिवाली के लिए डेकोरेशन किया था। और इधर है हमारा क्रिसमस ट्री, इसको भी डेकोरेट कर दिया था लाइट से हमने, क्योंकि आज हम कोटा जाने वाले हैं तो इनको खोल लेते हैं वरना बंदर खराब कर देंगे इनको। चलो चलो नीचे से तार खोल के आते हैं यार, ये तार ऐसे लगा रखा मैंने। जा नीचे तार खोल लिया, हाँ तार हाथ लगाए देखो, उसके पक्का हाथ लगाए देखो। कहीं बोलूं? तो दोस्तों पापा मम्मी सुबह जल्दी चले गए थे खेत में, मतलब 6-7 बजे चले गए थे, क्योंकि हमारी भैंस के छोटा सा मुन्ना हुआ है। तो हम ड्रोन से देखते हैं हमारा मुन्ना क्या कर रहा है और उसके साथ हमारा गांव भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये हमारा ड्रोन उड़ने के लिए तैयार है, ठीक है? आप भी देखो, ऐसे पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ना ऐसे, ठीक है? किधर कर ले मुंह तो ऐसे पकड़े रखना, ठीक है ना? उड़ रहा है, जो आते छोड़ देना, मैं तो ना ले उड़ो, छोड़ छोड़ दे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा गांव और हमारा खेत, देखते हैं हमारा मुन्ना क्या कर रहा है। ये हमारा गांव है और अब हम चलते हैं सीधा यहाँ से हमारे खेत पे, स्पोर्ट मोड ऑन कर लिया मैंने। अभी ये 86 मीटर ऊपर है, और ये हो गया हमारा गांव पार। भाई इस ड्रोन की रेंज है आई थिंक 10 से 12 किलोमीटर है, मतलब कंपनी की व्यू ही है, इसके आगे भी जा सकता है। और ये आगे हमारे खेत, बाकी विजिबिलिटी बहुत डाउन हो रही है अभी। और ये जो सामने देख रहे हो हमारे खेत है सारे, और इधर जो घर बन रहा है ना ये छोटा वाला, ये भी हमारा खेत का घर है। ये वाले खेत हमारे हैं और ये मोटर चल रही है, इसमें दिखाता हूँ जूम करके मैं, ये वाइट वाइट हो रहा है ना, इसमें मोटर चल रही है, पिलाई हो रही है अभी, और ऊपर धान है हमारा। और अब मैं दिखाता हूँ मम्मी क्या कर रही है, कि मम्मी सुबह जल्दी चली गई थी, पापा ये रहे, ये हाँ पापा नहीं, पता नहीं ये क्या है, ये तो ऐसे कुछ चारा वगैरह है, ये पापा इधर है बाड़े में,
पापा मम्मी दोनों ये है, ये बाइक खड़ी हमारी। तो ड्रोन को नीचे ले दो मेरे को एक बार, शानदार नज़र आता है ना खेतों का। इधर सूर्य देव मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट फिर भी मैं नीचे लेता हूँ ड्रोन को एक बार और हमारे मुन्ने को देखता हूँ। ये हमारी भैंस इधर, ये है हमारा मुन्ना जो ऐसे ही लेट रहा है, मतलब हलचल ज़्यादा नहीं कर रहा। भैंस के भी कुछ दुख हो रहा है हमारे, तो डॉक्टर को बुलाएंगे आज। भैंस खड़ी इधर, और ये हमारी माता रानी, ये बाइक खड़ी है हमारी, और पिताजी गए हमारे। मम्मी पता नहीं क्या कर रही है। सिग्नल लॉस हो गया यहाँ पे, अब नो इमेज ट्रांसमिशन सिग्नल, सिग्नल लॉस हो गया बिल्कुल ही, खत्म हो गया। फिर भी इसमें डर की बात नहीं है, सिग्नल लॉस होती ऑटोमेटिकली रिटर्न होम हो जाता है, ये रिटर्न टू होम हो गया ऑफिस। अब मैं कैंसिल करने दो ऑफिस, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे गांव का चारों तरफ से व्यू, ठीक है। ये तो हमारे खेत है, ड्रोन को ऊपर लेके जान दो पहले हाइट पे। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा गांव, नहा धो के कंप्लीट हो गए, खाना भी खा लिया हमने, और अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं और हम सब आ गए खेत पे, क्योंकि हमारी जो भैंस है ना उसका बच्चा हुआ है, तो उसके थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, मतलब बीमार टाइप हो रही हो, तो डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, बताता हूँ मैं। शाम तक तो दर्द आ पाई नहीं देगी, ताकत भी मिल जाएगी। सही सही जी, खड़ में खिला दो रोटी में, देनी ना चाहो। सही सही, अपन दो तो एनर्जी को दे सका था, इस ज्यादा ना देनी चाहो, क्योंकि इमें तो और ज्यादा पूरा मेडिकल स्टोर बैग में रहो जो भाई, है ना। तो भाई अभी हम आए थे दुलेट बैंक में, वो आरू से मैंने बहुत मना किया था, बेटा मैंने घर पे रुक गया, बट बाबा साथ में ना, तो मेरी चलने थोड़ी देर गए, तेरे से मैंने मना किया था घर पे रुकने के लिए, क्यों नहीं रुका, तू परेशान हुआ ना गर्मी में, यहाँ पे एक घंटा हो गया अपन को, मतलब बाबा साथ है ना, मेरी बात माननी नहीं तेरे को ना, चल तो कोटा चला आज शाम को, आज बताऊँ तेरे को शाम को ना। हाँ तभी तो दादी बाबा छोड़ना नहीं चाहता है, मेरी चलने नहीं देता बिल्कुल भी। देखो मेरी शिकायत कर रहा है बीबी, ये लवी शाम को 5:10 हो रहे हैं और हमारा बहुत जाने का टाइम हो गया, कि छुट्टियां खत्म हो गई दिवाली की, और सच बता रहा हूँ इस बार तो ना आरू किट्टू के मुझे भी बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल रोना आ रहा है मेरे को यार, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, बट बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इस बार आरू किट्टू के जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके स्कूल खुल गए, 3 दिन की छुट्टियाँ होगी, 3 दिन से जाने की सोच रहे हैं हम, पर रोज़ टाल रहे हैं कल चलेंगे कल चलेंगे कल चलेंगे, आज 3 दिन हो गए तो जाना तो पड़ेगा। मम्मी कैसा लगेगा तेरे को, पता नहीं पर इस बार अंदर से पागल से, चलो ठीक है ठीक है, जाओ जाओ आराम से, बार गए पता नहीं पर इस बार यार है ना मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, पता नहीं अंदर से ऐसा हो रहा है तो टूटा टूटा, क्योंकि थोड़ी हेल्थ इशू भी चल रहे थे मेरे अभी, तो कोटा जाने के बाद अगर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो जांच वाँच करवाऊँगा मैं, अभी तो सही हूँ मैं। हाँ, तो अगर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो जाँच वगैरह करवाऊँगा मैं, भाई अभी ठीक है, बट सच में कहीं ना कहीं इस बार बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बहुत अंदर से रोना आ रहा है। अरे न डांटू बिल्कुल न डांटू, आरू शिकायत कर रहा है मेरी, बोल रहा है तू, ये बता किसकी वजह से डांटता हूँ तेरे को, गलती कौन करता है तुम दोनों में से, गलती मैं करता हूँ, और रोना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना, पढ़ाई करने के लिए चलना पड़ेगा ना आरू, पढ़ाई करने के लिए तो जाना पड़ेगा ना बेटा।
अभी दादी बाबा आ जाओगा है ना। गाड़ी केक होगी हमारी। अरे आरू तो बिल्कुल सुट हो गए पढ़ाई बीच। आरू तू मिल तो ले दादी बाबा से एक बार, मिल तो ले बेटा, आ जा मिल ले एक बार, मिल ले फिर चल रहे। फिर दादी बाबा आ जाओ ना। पापा का बर्थडे में आएगी। पापा का बर्थडे, पापा बर्थडे आ रहे हैं ना एक महीने बाद, फिर आएगी। ठीक है रोमन कहते ले मोसे मल्लो मम्मी कितनी हो रही हमारी। ठीक है बेटा जल्दी आ जाएंगे, ठीक है टेंशन मत करना। तुम ना हो तो हर दिन आधार एक शाम अधूरी कभी मुझसे है बड़ी। आजा जल्दी आओ, रो मत चलो। रोते नहीं बेटा, मेरी बात सुन। अभी कितने दिन तक रहे अपने यहाँ पे? 8-10 दिन रहे ना, अभी वापस आ जाएंगे अपन दो। हाँ 50,000 दिन, 1,00,000 दिन तक रहेंगे, 1,00,000 दिन तक। ठीक है रो मत, चुप हो जा। भाई के बच्चे अगली बार आने दे। वो भाई कर रहा है बेटा, तो नाई का बच्चा नहीं है, नाई का बच्चा है। नाई का बच्चा है। अरे भाई का बच्चा कौन है, नाई का बच्चा। चलो ठीक है मम्मी, ठीक है ना। जाओ बढ़िया। छोटे भाई कैसे क्यूट है, कैसे हंस रही हो? ओए किट्टू क्या नाम है तेरा? अली भी आओ। ठीक है ना, टेंशन मत करो बिल्कुल भी ना। अरे टेंशन मत करो भाई, जाओ आराम से जाओ। खिला दूं बेटा, खूब खिला दूं मैं बेटा, है ना। बाय बाय, आस बेटा आस। तो दादी बाबा पास ऑफिस आएंगे थोड़े दिन बाद बेटा, तो भाई हम निकले घर से और शाम पड़ गई, मतलब सूर्य अस्त होने में आया। और सच बताओ यार, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हुआ, पर इस बार ओके ओके आरू बोल रहा है, जब तक आप मेरे को दादी बाबा पास नहीं भेजोगे जब तक आपसे बात नहीं करूंगा मैं। पर पता नहीं यार सच में इस बार पहली बार इतना मतलब जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, कोटा जाऊंगा यार। पिछले 3 दिन से टाल रहे हैं हमें ना ज्योति, कल चलेंगे बट यार अब 2-3 दिन की छुट्टियाँ होगी बच्चों की, जाना तो पड़ेगा, आज नहीं कल जाएंगे। बट इस बार मुझे खुद को रोना आ रहा है कि यार गांव में रहूँ, मतलब कोटा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पता नहीं कि इस बार अंदर से टूट गया, मतलब क्यों टूटा हूँ पता नहीं मेरे को, क्योंकि यार मेरे ना एक तो प्रॉब्लम उस दिन हुई थी यार, मतलब हाँ हाँ दिल टूट गया उस दिन, मेरे फिजिकली प्रॉब्लम हुई थोड़ी, तो कहीं ना कहीं उससे भी मैं थोड़ा मेंटली वीक हुआ हूँ, फिजिकली वीक हुआ हूँ। बाकी वो प्रॉब्लम हट गई अभी नहीं है, अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो जांच करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं उससे भी डरा हूँ मैं। उसके अलावा फिर मेरे यूट्यूब पर भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही 3 महीने से, वो प्रॉब्लम सोल्व होनी थी 3 तारीख को, बट वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही मैं अभी। हाँ बेटा आरू बोल रहा है, सच में दिल मेरा ही बहुत दुख रहा है, दादी बाबा दूर हो गया मैं इसलिए। तो 6:51 हो रहे हैं और हम आगे कोटा, और यहाँ पे दीपक भी लगा रखे हैं हमारे पड़ोसियों ने, बहुत अच्छे पड़ोसी हमारे, ऐसी बात है ना ज्योति। बाकी डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है ना मेरी गाड़ी में, गाड़ी लॉक कर दी, बहुत मिस किया मैंने मेरे आरू साहब को। बाकी आप पूजा करेंगे इसकी, देखो नहीं ग्यारह ना। वेलकम टू होम आरू, निप्पल ले ले तू जाते ही। जय श्री राम, फाइनली ऑफिस आ गए दिवाली निकलने के बाद में, है ना, छोटी दिवाली मनाएंगे यहाँ पे। हल्की हल्की डस्ट है, ज़्यादा नहीं है अंदर ज्योति, क्या अंदर तो कम ही है, ज़्यादा नहीं है। 7 बजने आए तो घर पे बात कर लेते हैं पापा मम्मा से, चलो सामान बाद में निकाल लेंगे, है ना, पानी वानी भर ले आरो चालू कर दे। सो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बनो। बाकी हम सब घर को बहुत मिस कर रहे हैं, हमारे गांव को बहुत मिस कर रहे हैं, बिल्कुल मन नहीं है हमारा कोटा रहने का ना आरू। हाँ। तेरा मन नहीं बेटा कोटा रहने का? पापा का भी सच में बिल्कुल मन नहीं, बिल्कुल इस बार तो कोटा रहने का, क्योंकि घर की पापा मम्मा की बहुत याद आ रही है ना। कोई बात नहीं, पर रहना तो पड़ेगा ना, है ना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू ऑल। कुछ बोलना तेरे को?
कुछ बोलना है तेरे को? गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय।